कसरावद नगर परिषद के पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले भाजपा के प्रत्याशियों ने अपने साथी प्रत्याशियों को समर्थन करते हुए मंगलवार को निर्वाचन कार्यालय से अपना नामांकन वापस ले लिया गया। नगर परिषद के पार्षद पद के लिए 15 वार्ड से भाजपा के 54 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से अपनी पार्टी का समर्थन करते हुए एवं बात मानते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 9 से कपिल सेन द्वारा अपने बीजेपी प्रत्याशी साधना राजेश बड़ोले को कमर्स एवं मिलनसार प्रत्याशी बताते हुए एवं वार्ड क्रमांक 7 से श्याम लाल यादव द्वारा बीजेपी प्रत्याशी रेखा हेमंत सोनी को समर्थन देते हुए अपना नामांकन वापस लिया गया है। और भी अन्य वार्ड से अपने साथी प्रत्याशी समर्थन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अपना नामांकन वापस लिया गया है। आज आपने आपका जैसा नामांकन भरा था वो वापस लिया है, किस उम्मीदवार के लिए आपने वापस लिया है? भारतीय जनता पार्टी ने संगठन ने जो नेतृत्व दिया है वार्ड नंबर 7 से रेखा हेमंत जी सोनी को, उनके समर्थन में मैंने फार्म विड्रॉल किया है। और मैं ये मानना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड 7 से भारी मतों से भाजपा को विजय मिला। आपके वार्ड क्रमांक 13 में जो आपके वार्ड क्रमांक 9 में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष प्रत्याशियों जो आपने जो फार्म जमा किए थे उसे आपने विड्रॉल किया है, किसके समक्ष किया है? भारतीय जनता पार्टी किनके समर्थन में किया आपने? भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा जो प्रत्याशी घोषित किए गए, जैसे ही मेरे वार्ड से श्रीमती साधना राजेश बड़ोले का नाम घोषित हुआ है, मैं उनके समर्थन में अपना फार्म वापस ले रहा हूँ, क्योंकि श्रीमती साधना राजेश बड़ोले बहुत योग्य है, मेरे से कहीं अधिक योग्य है। वो नगर कसरा में वार्ड में कई प्रकार के अच्छे काम करवा सकते हैं और करवाएंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम उसके सैनिक हैं। हम हमारा पूरा समर्पण भारतीय जनता पार्टी देते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं सभी जीतेंगे। और मेरा विश्वास है कि पूरे 15 वार्ड हम विजय होकर आएंगे और हम पूरी मेहनत लगन और पूरे सहयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आज जो सभी वार्डों से नाम वापसी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में कितने नाम बाकी रह गए जिनको टिकट नहीं मिले और जिनके रह गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के 15 वार्ड से 52 प्रत्याशियों ने टोटल 52 लोगों ने अपने फार्म जमा किए थे, तो 52 में 15 लोगों को प्रत्याशी घोषित किया है, बाकी लोगों ने अपनी स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो वहाँ से घोषणा की है उनके सम्मान में अपने नाम विड्रा करके और उन प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने भी एक निर्देश जारी किया है, उसके बारे में? हमारे यहाँ पर सभी लोग विड्रा ही कर रहे हैं तो उसका कोई वो नहीं है। वैसे भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारी पार्टी में एक कैडर बेस पार्टी है, तो उसके जो केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उन्होंने आह्वान किया है कि अगर जो प्रत्याशी के समर्थन में जिन लोगों ने फार्म और पार्टी से जमा किया अगर वो 22 तारीख तक विड्रा नहीं करेंगे तो 22 के बाद पार्टी जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ करेगी। कसरावद तहसील से अब्राहम पठान की ये रिपोर्ट।